अबोध बच्ची को धमका कर युवक ने उसके साथ बलात्कार किया। डरी सहमी पीड़िता उसका विरोध भी नहीं कर पाई। वह लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा, जिस पर उसने परिजनों को घटना की जानकारी दे दी। शिकायत मिलने पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। घटना चौरहटा थाना क्षेत्र की है। हैवानियत की शिकार हुई बच्ची काफी सहमी हुई है। यहाँ रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची 5 जनवरी को किसी काम से जा रही थी। उस समय उसे आरोपी अजय कौल पिता विक्रम कौल निवासी तिलोरा थाना नादन जिला सतना मिल गया और आरोपी ने पीड़िता को अकेला पाकर उसे धमकाया, जिससे वह डर गई और शाम करीब 5 बजे वह बच्ची को लेकर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में ले गया, जहां सुनसान पाकर उसके साथ बलात्कार किया और पीड़िता ने शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसे शांत करवा दिया और हैवानियत की शिकार हुई बच्ची अपने घर लौट कर आई। लेकिन आरोपी की धमकी से डरी सहमी बच्ची परिजन तक को भी घटना की सूचना देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इससे आरोपी के हौसले बढ़ गए और वह धमकाकर बच्ची का शारीरिक शोषण करने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। हाँ, परसों रात में एक बच्ची उसके परिजनों के द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी। उनकी बच्ची है करीब, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है, उसके साथ एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बदमाशी की गई। पुलिस ने उसकी तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद बच्ची ने जो बताया था कि उसके गांव में ही एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष की थी, तो उसको पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी को पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। आरोपी जेल चल गया है और बच्ची का मेडिकल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को ऐसा आशंका हो रही थी परिजनों के कि बच्ची संभवतः पेट से है। डॉक्टरों ने बताया अभी प्राथमिक जांच करके वो बच्ची पेट से नहीं है, लेकिन उसके साथ मतलब घटना घटित हुई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस अग्रिम विवेचना कर रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।